तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे Samsung Galaxy Z Flip 5 के स्पेसिफिकेशंस। स्मार्टफोन के OS की बात करें तो आपको इसमें Android 13 देखने को मिल जाएगा, वहीं कस्टम UI की बात करें तो आपको Samsung One UI देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो आपको Snapdragon 8 Gen 2 इसमें देखने को मिल जाएगा, वहीं RAM की बात करें तो आपको 8GB इसकी RAM देखने को मिल जाएगी, वो भी LPDDR5X टाइप की आपको RAM देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले की बात करें तो आपको डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाएगी, वहीं 6.7 इंच की स्क्रीन साइज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और कवर स्क्रीन देखने को मिल जाएगी 3.4 इंच की। वहीं डिस्प्ले आपको बेजल लेस देखने को मिल जाएगा, वो भी पंच होल डिजाइन के साथ। ब्राइटनेस की बात करें तो आपको 1200 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा इसमें। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। साइज की बात करें तो आप इसकी हाइट विथ और थिकनेस आप इधर चेक कर सकते हो, आपको 187 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। कलर की बात करें तो मिंट, ग्रेफाइट, क्रीम और लवेंडर चार वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है जिसमें आपको IP68 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो आपको 12 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, तो ऑटो फोकस और फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको 4K 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरे में आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको 4K 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं बैटरी की बात करें तो 3700mAh की लिथियम आयन बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। उनमें आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको क्विक चार्ज देखने को मिल जाएगा। 25 वोट का इसमें आपको क्विक चार्ज देखने को मिल जाएगा, 30 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो 256GB और 512GB दो वेरियंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल सिम सेटअप देखने को मिल जाएगा, एक होगा नैनो सिम और दूसरा होगा ई सिम। दोनों सिम 5G को सपोर्ट करेंगे और इसमें आपको VoLTE भी देखने को मिल जाएगा, Wi-Fi 6 देखने को मिल जाएगा और ब्लूटूथ 5.3 वर्जन देखने को मिल जाएगा। आपको GPS और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। में आपको स्टीरियो स्पीकर और लाउड स्पीकर देखने को मिल जाएगा, आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की प्राइस होगी 99,999 रुपीज़। 8GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की प्राइस होगी 1,09,999 रुपीज़। तो अब बारी है आप सभी की, आपको बताना है कि आपको कौन सा कलर इसका पसंद है और आप कितनी स्टोरेज चाहते हो, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूरी बताइएगा।